लेंगे और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द शांति पाठ एंड देन विद द रेगुलर सेशन। Get comfortable, keep your eyes closed, allow the body to breathe in, allow the body to breathe out. Good evening, all. Lot of काफी पहचान वाले लोग दिख रहे हैं. हेलो, गुड इवनिंग मेरुना, खुशबू, हरकिशन जी, सुमन जी, लीना जी, गीता जी, विष्णु जी, लॉट ऑफ नॉन पीपल आर कमिंग. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग वैल्यूएबल टाइम ऑन संडे इवनिंग. हाँ, मैं दो तीन अनाउंसमेंट कर देता हूँ पहले से कि ये थ्रू आउट द सेशंस हम लोग म्यूट पे रहेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. ये प्रेजेंटेशंस में यदि आपको कुछ क्वेश्चन बीच में आ रहा है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख दीजिए. मैं जब सेशन एंड होएगा तो चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन को हम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिप्लाई कर दूंगा. तो पहले मैं बता देता हूँ आज का कॉन्सेप्ट क्या है. ये जो YCB एग्ज़ाम होती है और ये YCB एग्ज़ाम आप लोगों ने काफ़ी दी भी होगी और काफ़ी लोग आप लोग देने भी वाले बनेंगे. तो ये जो एग्ज़ाम्स होती है, ये एग्ज़ाम्स में क्या कॉन्सेप्ट रहता है और किस पैटर्न पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है और उसका पास होने का टेक्निक क्या है. What is a good technique to not only pass but pass with a very good marks. हमारा ऐसा बिलीव है और ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि ये एग्जाम आप हमारे तरीके से प्रिपेयर करो तो आप 85 से 90% आप स्कोर कर सकोगे बिना किसी डिफिकल्टी के. खाली आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है और किस पैटर्न के हिसाब से आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी. वो यदि आपकी टेक्निक राइट हो तो ये एग्ज़ाम 70% पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. आप उसको आराम से 80 to 90% मार्क्स पे पास कर सकते हो. और हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है. अभी हमारे दो तीन स्टूडेंट का रिजल्ट अभी आया है एंड थ्री में दे हैव स्कोर्ड अराउंड 90% मार्क्स. और तो इट्स अ प्रूवन टेक्निक. ये जो टेक्निक है जो हम इसका हमने काफ़ी स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है और ये प्रूवन टेक्निक है कि ये टेक्निक से आप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो 85 to 90% मार्क लाना कोई दिक्कत की बात नहीं है.
तो पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में जो कोर्स कंडक्ट होता है जिसको YC भी बोलते हैं, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की, ये जो रहती है इसके बारे में मैं बताऊंगा एंड देन वी विल मूव टू द व्हाट इज द टेक्निक और हम लोग वो टेक्निक में हम लोग आपको एज ए प्राण योगा सेंटर हम लोग क्या ऑफर करते हैं उस टेक्निक को और शार्पन करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन से। तो ये है, हम लोग एक सेंटर चलाते हैं प्राण योग थेरेपी सेंटर और लास्ट आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 25 इयर्स बट प्राण योग थेरेपी सेंटर एस्टेब्लिश हुआ 2018 से। उसके पहले हम लोग एज ए नॉर्मल योगा सेंटर करते थे। तो ये आज का सेमिनार का टाइटल है प्रूवन टेक्निक टू अचीव मोर देन यू एक्सपेक्ट इन YCB एग्जामिनेशन। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे ये एग्जाम कंडक्ट होती है। मैं थोड़ा सा मेरा छोटा सा परिचय देता हूँ। मैं आई एम ए मेडिकल आयुर्वेदिक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। आई डिड MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1993। डिप्लोमा इन योग थेरेपी किया है केवली धाम से 1991 में। और लास्ट 3 ईयर्स आई एम वर्किंग विथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योग थेरेपिस्ट। तो उनका सर्टिफाइड योग थेरेपिस्ट हूँ, ऑनररी मेडिकल योगा कंसल्टेंट विथ केवली धाम। आई एम ऑल्सो ए शिवानंदा फैकल्टी, शिवानंदा का भी सर्टिफाइड टीचर हूँ। शिवानंदा के 3 आश्रम्स है इंडिया में, नैयर डैम में है, त्रिवेंद्रम में है, मदुराई में है, मीनाक्षी आश्रम इन मदुराई भी, योग एंड वेदांत धन्वंतरी आश्रम इन त्रिवेंद्रम एंड शिवानंदा कुटीर एट उत्तरकाशी। फैकल्टी शिवानंदा योग वेदांत आश्रम इंडिया एंड वियतनाम। एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड एज ए योगा सर्टिफिकेशन YCB एग्जामिनर विथ डिफरेंट PRCB, TQCRT, Yoga Mudra, New Age Yoga Institute, and proprietor of Yoprana Yoga Therapy Center based at Mumbai. So this is a little information. This is my diploma in Yoga Therapy, which I did in 1991 from Keveli Town. Or this is a IAYT certification. IAYT is a US body, United States based body, hai jo jisme kaafi मेडिकल डॉक्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व है एंड दिस इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योगा थेरेपी। एट शिवानंदा वियतनाम वी आर रनिंग वन वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स, इट इज कॉल्ड एज CAT, शिवानंदा योगा हेल्थ एजुकेटर ट्रेनिंग कोर्स। 800 आवर्स का कोर्स है जो दो जगह होता है, वियतनाम एंड कैलिफोर्निया इन US। आई एम पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग फैकल्टी इन दिस कोर्स। साल में मुझे 3 बार विजिट करना पड़ता है एंड दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स ऑफ योग थेरेपी एट इंटरनेशनल लेवल। तो दिस इज, अभी रिसेंटली हमने जनवरी में मॉड्यूल 3 कंप्लीट किया है कोर्स का। तो दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ द कोर्स। ऑल ये सब ऑल द स्टूडेंट्स आर एट ब्यूटिफुल लोकेशन ऑफ वियतनाम। वियतनाम में एक जगह है दला, दैट इज कश्मीर ऑफ वियतनाम। तो ऑल और जितने भी ऊपर जो फ्लाइंग स्टूडेंट्स एंड टीचर है दे गिव द कोर्स ऑनलाइन। मुझे वियतनाम जाना था बट बिकॉज ऑफ द कोविड इट वॉज वियतनाम ने अलाउ नहीं किया और इसके वजह से हमने ऑनलाइन टीचिंग की। तो ऊपर जितने भी लोग हैं सब लोगों ने ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया और बैठे हुए जो फोटोग्राफ में जितने भी लोग हैं इसे सब लोगों ने दलाल जाके इस कोर्स को अटेंड किया। अभी जनवरी में एक कोर्स का मॉड्यूल 3 कंप्लीट हुआ है। कोर्स पूरा 4 मॉड्यूल में चलता है। तो अभी लास्ट 3 मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, मतलब 1 मॉड्यूल और बाकी है। ओके, सो दिस इज, इसके अलावा हम लोग वी ऑफर द योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये कोर्स अभी करंटली हम जो ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 योगा थेरेपिस्ट और थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट।
लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री का कोर्स अभी फेब्रुवरी से चालू होएगा, है 4 मंथ्स का कोर्स है फेब्रुवरी टू मई 2021। तो यदि आप लोगों में से कोई ये कोर्स अटेंड करना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं उससे यू कैन कांटेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। योगा थेरेपिस्ट कोर्स हम लोग शुरू करेंगे अप्रैल में, एंड थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट अप्रैल मिड ऑफ द अप्रैल और एंड ऑफ द अप्रैल वी विल स्टार्ट दिस कोर्स। बट ये जो पीपीसी प्रोग्राम है लेवल वन लेवल टू थ्री का ये 4 मंथ्स रहेगा एंड स्टार्टिंग डेट इज अराउंड 15th of February। आई एम प्राउड ऑफ माई ऑल द फैकल्टीज प्राण योगा फैमिली जो है उस फैमिलीज में ये कोर्स हमको जो हेल्प कर रहे हैं, दे ऑल आर मेडिकल डॉक्टर्स मेडिकल योगा कंसल्टेंट लेवल थ्री सर्टिफाइड टीचर योगा थेरेपिस्ट एंड योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड एग्जामिनर। ये सब लोगों का मिल के हमारा एक फैमिली बना है प्राण योगा फैमिली, एंड दे आर वेरी आई एम वेरी नाइस कि ऑल का हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ही बढ़िया रहता है। इसका हमने 2 सेमिनार रखा है, फ्री ओरिएंटेशन सेमिनार कोर्स चालू होने के पहले। जो ये सेमिनार अटेंड करेगा सेमिनार के टाइम पे जो रोल करेगा उन लोगों को हम कुछ डिस्काउंट ऑफर करेंगे कोर्स। तो आप यदि आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो 6 फरवरी को इसका सेमिनार होएगा और 13 फरवरी को होएगा। मीटिंग आईडी ये सेम है जो आज की मीटिंग आईडी है, द सेम मीटिंग आईडी 8528884041। तो यू कैन लॉग इन विद दिस मीटिंग आईडी। तो दिस इज ए ओरिएंटेशन सेमिनार और ये ओरिएंटेशन सेमिनार से हम लोग ये पीपीसी कोर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ हमारे टच में रहिए या यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी ऑफ द नंबर। दूसरा हमारा 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक है ग्रुप ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। यदि आप ग्रुप में रजिस्टर्ड रहोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अभी शुरू करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में YCB कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है। आयुष का अर्थ होता है आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो ये 5 फैकल्टीज मिलकर आयुष बनती है। इट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके अंदर में योग आता है। किंतु योग इतना बड़ा विषय बन गया और इतनी सारी एक्टिविटी बन गई है तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड सब योग की एक्टिविटी, योगा सर्टिफिकेशन, योगा स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो अभी कोई भी योगा टीचर यदि आउट ऑफ इंडिया असाइनमेंट में जाता है तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि उसके पास योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का लेवल वन लेवल टू या लेवल थ्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो ये योगा YCB ये कोर्सेज ऑफर करता है। लेवल वन को कहते हैं योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल टू इज योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, लेवल थ्री इज योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। अभी तक एट द मोमेंट ये 3 लेवल कोर्स एक्टिव है। लेवल 4 का सिलेबस आ गया है पर अभी तक उसकी कोई भी एग्जाम परीक्षा कंडक्ट नहीं हुई है। तो लेवल 4 है योगा मास्टर जो अभी आने वाले समय में शुरू होएगा, और योगा थेरेपिस्ट और थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट के भी सिलेबस आउट हो गए हैं बट अभी तक कोई भी इसकी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई। तो होप इन 2021 ये 3 जो कोर्सेज हैं ये 3 कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे। किंतु इस समय पे ये 3 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के कोर्स एक्टिव है। लेवल 1 से एडवांस लेवल 2 है, लेवल 2 से एडवांस लेवल 3 है, लेवल 3 से एडवांस लेवल 4 है, लेवल 4 से एडवांस योगा थेरेपिस्ट है और लेवल योगा थेरेपिस्ट से एडवांस थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट है। तो प्रोग्रेसिवली ये कोर्स हायर एंड हायर होते जाते हैं। योगा थेरेपिस्ट अप टू योगा मास्टर कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई 10वीं पास हो वो भी ये कोर्स कर सकता है।
किंतु योगा थेरेपिस्ट होने के लिए कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी के आर्ट्स की हो, साइंस की हो या कॉमर्स की हो, कोई भी डिग्री आप होल्डर होनी चाहिए। एंड थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट होने के लिए यू शुड बी ए मेडिकल डॉक्टर और यू शुड हैव डन मास्टर्स इन योगा, एमए इन योगा, सो देन यू आर एलिजिबल फॉर थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट। सो दिस इज द फोर कोर्सेज जिसके सिलेबस YCB की वेबसाइट में अवेलेबल है, इज ऑल द सिक्स कोर्सेज के सिलेबस। अभी ये देखिए, रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स एक स्पेसिफिक मार्क्स पे कैलकुलेट होता है। यू कैन सी लेवल वन का थ्योरी और प्रैक्टिकल दो एग्जाम होता है। जो थ्योरी एग्जाम है उसमें 60 मार्क्स का होता है और 60 क्वेश्चन आते हैं, और ये 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम 140 मार्क्स का होता है। ये कंपलसरी है कि आउट ऑफ द 60 MCQ 42 मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी 42 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए, तो दैट इज अप टू 70% ऑफ द पासिंग मार्क। और प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 140 98 स्कोर आपने किया तो यू आर गेटिंग द पासिंग मार्क। तो 98 इज द पासिंग मार्क एंड 42 इज द पासिंग मार्क ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर लेवल वन। और ये 60 क्वेश्चन एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पे आएंगे। लेवल टू के लिए भी सेम है, नो चेंज, 60 MCQ प्रैक्टिकल इज 140 एंड यू हैव टू अचीव 42 इन थ्योरी एंड 98 इन प्रैक्टिकल। फॉर लेवल थ्री द क्वेश्चंस आर 80 एंड आउट ऑफ द 80 आपके 54 राइट होने चाहिए टू देन यू स्कोर 70% and practical may out of 120 you should score 84, that is 70%. So this is the passing criteria. Aur ye compulsory hai ki theory aur practical dono mein aapko 70 ke above hone chahiye. Kabhi kabhi aisa hota hai ki aadmi ko practical mein zyada aa gaye aur theory mein 70 se percent se kam aa gaye, aise time pe aap pass nahi gine jaoge. दोनों का मार्क अलग अलग कैलकुलेट होता है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ में आपको 70% से अबाउ लाने हैं। किसी वजह से आप थ्योरी में पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो आपको वापस जब आप एग्जाम दोगे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको रिपीट देनी पड़ती है। किंतु यदि प्रैक्टिकल में पास हो गए और थ्योरी में फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट रिपीटेशन खाली थ्योरी का देना पड़ता है। इट मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस एग्जाम में प्रैक्टिकल्स को दिया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल्स में आप पास होने चाहिए। थ्योरी में भी किसी वजह से पास नहीं हो पाए तो आप खाली लिखित परीक्षा आप और एक बार और दे सकते हो। किंतु यदि प्रैक्टिकल में किसी वजह से हम पास नहीं हो पाए तो हमको वापस लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं वापस देनी है। तो ये एग्जाम्स का ये पासिंग मार्क है, तो ये 70% लाने के लिए थोड़ा सा सजग रहना पड़ता है और सजग रह के ये परीक्षा को देनी पड़ती है। ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम का फॉर्मेट है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होती है वो बहुत ही आसानी होती है। आपको कन्फर्म 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 क्वेश्चन का एक पैटर्न है। इसी पैटर्न से प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। एक पैटर्न है, फर्स्ट को पैटर्न है षटक्रिया का। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको, दो सवाल षटक्रियाओं के ऊपर पूछे जाएंगे। षटक्रिया देखो, और इमेजिन, ये दोनों, ये सब सवाल आपको 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क के हैं। आप ऐसा सोच के चलिए, एक सवाल सूक्ष्म आयाम पे पूछा जाएगा, सूक्ष्म आयाम एंड स्थूल व्यायाम दोनों है बराबर। एक सवाल आपको सूर्य नमस्कार पे पूछा जाएगा, चौथा सवाल, पांचवा सवाल आपको आसन पे पूछा जाएगा, बराबर, कोई भी एक कठिन आसन करके बताना है, और 6 और 7 सवाल कोई भी दो आसन करके बताने। वो कई कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर बोलता है ये आसन करके बताओ,
या ऐसा होता है कि एग्जामिनर बोलता है कि आप अपने हिसाब से आसन करो, तो टोटल आपको 3 आसन का डेमोन्स्ट्रेशन देना है प्रैक्टिकल एग्जाम में, है? तो 3 आसन का डेमोन्स्ट्रेशन देना है और एक सूर्य नमस्कार का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये 5 जो क्रियाएं होती है ये खाली डेमो पे बेस्ड है। फिर एक आपका 7वां 8वां सवाल आएगा प्राणायाम पे, एक सवाल आएगा मुद्राएं बंद पे, एक सवाल आएगा प्रेयर और मेडिटेशन पे, और एक सवाल आएगा आपका फील्ड एक्सपीरियंस पे। तो ऐसे प्रैक्टिकल में कंफर्म इसी पैटर्न से 10 सवाल आपको पूछे जाते हैं और ये 10 सवाल का आपको उत्तर देना है, है? तो इसके बेस पे आपको मार्क दिए जाएंगे। ये मार्क 3 इसको दिए जाते हैं, आपकी स्किल कितनी है, आपके नॉलेज कितनी है और आपकी टीचिंग स्किल कितनी है। ये तीनों को मिलके आपको फाइनल मार्क का कैलकुलेशन होता है और ये पैटर्न लेवल 1 और लेवल 2 में फॉलो होता है। खाली लेवल 3 में क्या होता है कि एक क्वेश्चन और ऐड होता है, क्योंकि लेवल 3 जो है वो योगा इंस्ट्रक्टर एंड इवेल्युएटर है। एक लास्ट क्वेश्चन एक इवेल्युएशन का आता है कि भाई कोई भी योग की क्रिया, योग के आसन या योग का प्राणायाम आपको बोलेंगे कि कोई भी हम किसी स्टूडेंट को देते हैं, वो स्टूडेंट करेगा, आप बताओ कि वो स्टूडेंट ने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे गलती नहीं की और 10 में से आप उनको कितने नंबर देते। तो ये एक सवाल आता है लेवल 3 में इवेल्युएशन का, जो खाली लेवल 1 और लेवल 2 से अलग होता है। ये अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली एग्जाम का उनका रिजल्ट आया है। ये मैंने भी रिसेंटली, क्योंकि योगा एग्जामिनर के लिए लेवल 3 होना कंपलसरी है, तो रिसेंटली हमने भी लेवल 3 के एग्ज़ाम दी और ये हम लोग ये पैटर्न से जब हमने स्टडी की, जो पैटर्न हम आपको बताएंगे, तो आप देखिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं। 73 आउट ऑफ 80, 104 आउट ऑफ 120, तो अराउंड 91.25% इन थ्योरी एंड 86.6% इन द प्रैक्टिकल। टोटल स्कोर इज 88.5%। सेम अभी एक हमारी स्टूडेंट का भी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, सुरुचि का, तो उसने भी 73 स्कोर किया, 91.25% एंड शी स्कोर 95 आउट ऑफ 120 इन लेवल 3, 84%। राजी राजकुमारी जी, राजी है स्कोर 75, वेरी गुड मार्क, 93.75%, ऑलमोस्ट 94%, एंड आल्सो 78.3%, एंड ओवरऑल स्कोर इज 84.5%। लीना जी शी स्कोर 83.3%, 72.8% एंड 76%। सो ये जो स्टडी पैटर्न है, ये स्टडी पैटर्न्स के बारे में अभी हमारे कुछ, मैं स्पेशली ये जो सुरुचि है, मैं उनको से बोलूँगा कि सुरुचि ने जो अपना फीडबैक दिया, वो फीडबैक का हमने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, तो दैट वीडियो रिकॉर्डिंग खुशबू इन प्ले एंड अबाउट सम ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो खुशबू, कैन यू स्टार्ट द वीडियो ऑफ सुरुचि? यस सर। Hello everyone, my name is Suruchi Dhonde. I am from Ahmednagar. ये जो प्राण योगा सेंटर है, इनकी पूरी जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है और बहुत एक्सपीरियंस है। लोगों का हर एक प्राणायाम का, आसन का, थेरी का समझाने का तरीका सबसे अलग है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा लगता है हम उन्हीं के बीच में हैं, उन्हीं के साथ बैठ के सीख रहे हैं और इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे रहना, वहाँ पे सीखना। अभी ये क्लास ख़त्म हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। उसी टाइम पे जो 7-8 बजे का टाइम रहता है, ऐसा लगता है कब क्लास चालू होगा, कब क्लास चालू होगा। सो
इट्स ऑल्सो एक्साइटेड एंड सेम जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है, थ्योरी के रिलेट भी हर एक हार्ड टॉपिक को इतना इजीली समझा के देते हैं, एंड देन मेन प्रैक्टिकल एग्जाम जो हमारी मॉक एग्जाम की रहती है वो भी बहुत अच्छे से और बहुत इजी करके इतना अच्छे से समझा के देते हैं। अभी मेरी जस्ट एग्जाम हुई तो मुझे लगा नहीं कि मैंने एग्जाम दी, आई फील वेरी गुड आफ्टर एग्जाम, और उसके पहले भी मेरा जो स्ट्रेस था वो बहुत कम हो चुका था क्योंकि उन्होंने एग्जाम भी तैयारी इतनी अच्छे से करवा के ली थी। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू। वंडरफुल। ओके, एक हमारे पार्टिसिपेंट है प्रिया जी, हैं वो प्रिया जी की विशेषता ये है कि वो ये YCB की एग्जाम एट द एज ऑफ 70 दे रही है। प्रिया जी आप समझिए कि जब 60 के बाद आदमी को सोचता है अब क्या योग का कोर्स करना चाहिए, बट ये जो विशेष आत्मा है इसकी खासियत है कि एट द एज ऑफ 70 में भी आप उनका उत्साह देखिए। तो कुछ को रिक्वेस्ट टू स्टार्ट प्रिया जी वीडियो। से मैं प्रिया गवांडकर, मैं रिजर्व बैंक में काम करती थी और वहां से रिटायर होने के बाद ये मैंने सोचा कि मैं योग सीखना शुरू करूं। तो योगा विद्या निकेतन से मैंने एक TTCA का कोर्स किया था और बाद में जब गवर्नमेंट के एग्जाम का सुना तो मैंने ये भी ज्वाइन कर दिया। तो मुझे अभी कोरोना की वजह से अभिनिवेश क्लेश है उसका मुझे बहुत अभिनिवेश अंतराय है क्लेश है उसका मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहते और हम दोनों ही साथ में रहते। तो ये ज्वाइन करने के बाद मैं वो क्लेश भूल ही गई, बहुत अच्छा लगा मुझे और सर बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ाते हैं और इजी करके समझाते हैं। तो और डॉक्टर होने की वजह से एनाटॉमी तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सिखाया और बाकी भी पातंजल योग सूत्र में और बाकी सब सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट निर्माण किया हमारे मन में। तो मुझे लगता है मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी 40-50 साल पहले वो युग मैंने वापस एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया और वो एग्जाम का डर वगैरह वो भी मैं अभी महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है सब सीनियर सिटीजन्स ने ये कोर्स करना चाहिए, फिर उनको ये टाइम कैसा कटे और अकेलेपन का डर वगैरह सब नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। योग रियली आपके ये व्यक्तित्व को सुधार देता है और मन में आत्मविश्वास पैदा कर देता है। तो सब लोगों को मुझे मेरे अनुभव से मुझे लगता है सब लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो उनका बहुत फायदा होगा। थैंक यू। ओके, ये सब कैंडिडेट की आज ही एग्जाम खत्म हुई है, उसमें से कुछ तो अभी एग्जाम देने के बाद लॉगिन भी किए हैं। राजी का तो हो गया, मेरुना ने लॉगिन किया है, तो कुछ कैंडिडेट्स की आज ही परीक्षा हुई है। वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट इन स्पाइट ऑफ आज एग्जाम होने के बाद भी आपने एड किया है। थर्ड केस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द केस ऑफ हरिटा। हरिटा को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज थी और योग तो उसके काफ़ी दूर का विषय था क्योंकि कमिंग फ्रॉम नॉन योग बैकग्राउंड उसने नॉट ओनली थेरेपी कोर्स ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ज्वाइन किया, उसके बाद उसने हमारा थेरेपी कोर्स भी ज्वाइन किया एंड सी द डिफरेंस इन हर हेल्थ आफ्टर स्टार्टिंग योगा। आई रिक्वेस्ट खुशबू टू स्टार्ट एरिटाज वीडियो। यू कैन से योर नेम फर्स्ट एंड देन कम। So hello everyone, my name is Erita. I have joined yoga in the last year once the lockdown began. The reason I got into it in the first place was because I had a lot of ailments and a lot of things that hindered my day-to-day activities. I tried going to different doctors and all I was doing was taking medicine. And somewhere along the line I said, you know what, let me just try. My mom was already practicing yoga with Ghanshyam sir for quite a few years, so I decided that I'll probably join
and I honestly enjoyed the experience. The entire time that I joined, I think I've gotten so much better. I wouldn't say 100%, but it's been an incredible amount of difference to the way I am right now. And I liked it so much and I enjoyed it so much that I decided I want to be pursuing this forever. And which is why right now I've decided that I decided to do the TTC course. And not just that, I was so fascinated with the entire experience that I decided to also do a yoga therapy course. So that's it from me. Learning in the TTC course has been an incredible experience. I've learned things that I never thought I would actually get into before. Because for me, honestly, yoga was just a series of asanas and postures. That's what I used to think it was. But I realized it's a whole lifestyle differently. So join the TTC course and you won't regret it. Thank you. Okay, this is a unique experience where Erika and her mother, the daughter and mother, both are joining the same course. So last video, I also request to start Erika's mother's video because both the daughter and the mother both are joining the same TTC course. I request the one more video of Jacinta. What's your name? I'm Jacinta D'Souza. In fact, I retired in December 2019 from Bharat Petroleum Corporation after putting in 38 years of service over there, and worked before that also from my college days. So at least 41 years of work experience. And then soon after that, I happened to join a bakery course from January, but because of the lockdown that stopped. And then when I saw the message from Dr. Sharma about the classes that he was starting from at Prana Yoga, I joined the classes and it helped me tremendously. In those 4 months, right from March and April, right up to June, I think I lost at least about, till July, I lost about 10 kgs of weight. That was the first thing that happened because I piled on that weight during my working years where the stress was too much and long working hours. I would come back very late from work, so that added to the stress. But once I started with yoga, I lost weight. It helped me with my knee pain. So it, and then sir decided to have the TTC course where I thought of joining. Of course, I didn't join from the exam point of view at all. I tried to tell sir that I don't want to do an exam, but he still kept motivating me and encouraging me to do an exam. So now let's see, I'm doing the exam, though I know I'm not really sure how well I will do it. But anyway, I'm still giving my best, trying my best to do the exams. And it has helped me. It has helped me become more disciplined in all my aspects of life. It has helped me, like I'm exercising every day without fail. So that is helping me tremendously. And sir has been an extremely an amazing teacher. Teaches with a lot of analogies. He simplifies the way he teaches. Everything is simplified. There's a lot to gain from him. And I think nobody should miss an opportunity of learning under him. And thank you, sir, for the wonderful teacher you've been. Thank you. Wonderful person. Thank you. Yeah, thank you all. All Jacinta, Erika, and all our Pran Yoga family members, those who have supported us. And now I am coming to our subject of the next topic. Now I am giving you an example. See, the technique to score in this exam, YCB exam. I'm just taking one question. For example, in this way, this type card, aapka MCQ question exam mein aayega. I'm just taking one question and showing you.
see how to do analysis of these questions, and that is the most important technique of the practice. That is the most important technique of the practice. I'm getting some message that my voice is very low. No, sir, your voice is fine. Now it is fine? Sir, your voice is fine. Okay. So this is the concept. For example, there is one question, the concept of Sri Shari is mentioned in Tattva Bodh, written by. This is a question. Adi Shankaracharya ji, Madhvacharya ji, Ramanujacharya ji and Swami Vivekananda. आपको ये एक सवाल आया, आंसर इज आदि शंकराचार्य, बराबर, बट राइट आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज हाउ मच यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बराबर। तो ये खाली ऐसा नहीं है कि आपका आंसर राइट होना चाहिए, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन गिव्स यू ए ट्रिमेंडस नॉलेज एंड यू हैव टू एक्सप्लोर दैट। फॉर एग्जाम्पल, हु इज, वट इज त्रि शरीर, what is Tattva Bodh, what is, who is Adi Shankaracharya, who is Madhvacharya, who is Ramanujacharya and who is Swami Vivekananda. So aapko ek questions mein aapko 6-7 questions milenge, and that is the beauty of this question. It is not only one question, but it gives you opportunity to understand the subject from the broader perspective. So I'm just taking analysis. ये एक questions का जो analysis है, that is the technique we prefer and we examine. For example, ये त्रि शरीर है, तो त्रि शरीर कौन सा होता है? The concept of three body. The concept of three body. इसको शरीर त्रय भी कहा जाता है, ये आता है तत्व बोध से, है? और ये इसमें बताया गया है कि त्रि शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर, फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। अभी इसके अंदर में आपके कोश आते हैं, स्थूल शरीर के अंदर में आपका अन्नमय कोश आएगा, और अन्नमय कोश बना है पांच एलिमेंट से, जिसे पंच महाभूत बोलते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। सूक्ष्म शरीर इज मेड अप ऑफ प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश, है? ओके, प्राणमय कोश आपका आएगा वाइटल शीट, मनोमय कोश इज मेंटल शीट, विज्ञानमय कोश इज इंटेलेक्चुअल, और प्राणमय कोश में आपका पंच प्राण आएगा और पांच कर्मेंद्रिया आएगी, दैट इज पार्ट ऑफ द प्राणमय कोश। मनोमय कोश इज मेड अप ऑफ मनस, चित्त एंड ज्ञानेन्द्रिया। अभी यहाँ पे देखिए, दिस इज ए वैदांतिक क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे मन और चित्त को अलग अलग माना गया है। तो मन स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस एंड चित्त स्टैंड फॉर मेमोरी। तो आप देखिए कि ये ध्यान में रखिए, चित्त अकॉर्डिंग टू वेदांत इज मेमोरी, बट चित्त अकॉर्डिंग टू वेदांत, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, इट इज कॉन्शियसनेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चित्त का अर्थ पतंजलि में अलग है और वेदांत में अलग है। तो ये आपका मनोमय कोश में आ गया, मनस और चित्त और पांच ज्ञानेंद्रिया। विज्ञानमय कोश में आ गया आपका बुद्धि और अहंकार। तो ये तीनों मिलके आपका सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। एंड द कारण शरीर, कारण शरीर में आपका आता है आनंदमय कोश, विच इज मेड अप ऑफ कर्माज एंड संस्कार। तो इस प्रकार से यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रि शरीर, ये जो त्रि शरीर का दिया गया है। अभी कॉन्सेप्ट आता है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज कमिंग, कि हु इज आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य एंड। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तो देन वी आर कमिंग टू द आदि शंकराचार्य। तो ये देखिए, आदि शंकराचार्य इज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत, और इतने सारे आपका देख लो, भगवद गीता भाष्यम, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्री, आत्मबोध, तत्वबोध, पंचीकरण, शिवानंदा लहरी, ऑल दीज बुक्स आर रिटन बाय, ऑल दीज बुक्स आर रिटन बाय स्वामी और आज जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी,
Then if you see the Upanishads, all the Upanishad commentary, Vavalai, Atri Upanishad, Kel Upanishad, Ishavasya, Kathopanishad, all the Upanishad commentaries are written by Shankaracharya. 11 Upanishads. Mainly 10 has Shvetashvara Upanishad added later on, but otherwise aap yadi Shvetashvara Upanishad ko chhod do, to 10 Upanishads main hai. तो उपनिषद के ऊपर ये वेदांत और अद्वैत वेदांत के ऊपर स्पेशल कमेंट्री जिसको ब्रह्म सूत्र है, अष्टवक्र गीता है, अवधूत गीता है, हैं ऑल दी. सो दिस इज इवन पतंजलि योग सूत्र कमेंट्री आल्सो रिटन बाय जगतगुरु आदि शंकराचार्य. सो दिस इज व्हाट आदि शंकराचार्य कंट्रीब्यूशन इज. नाउ वी आर कमिंग टू द प्रीवियस माधवाचार्य. तो आदि शंकराचार्य आपको पता हो गया, नाउ माधवाचार्य. तो माधवाचार्य इज द प्रोपाउंडेड ऑफ द्वैत फिलोसॉफी. द्वैत मीन्स देर इज ए डुअलिटी, अद्वैत मीन्स देर इज नो डुअलिटी. अद्वैत मीन्स अकॉर्डिंग टू अद्वैत द होल वर्ल्ड इज ए इल्यूजन, माया है. बट माधवाचार्य इज फाउंड didn't agree and he founded the Dvaita philosophy. Dvaita means there are two things, two realities. So Advaita propounds that world is an illusion, all actions and emotions including sorrow are just false impression. Ye mithya hai. Fundamentally the soul and the God are one. When the soul releases itself from this illusion, it merges with Brahman. The universal conception. ये अद्वैत है. द्वैत मानता है कि everything is two. There is a difference between God and there is a difference between the man. So this is the द्वैत and this is the अद्वैत. Now what is Ramanujacharya? So ये जो द्वैत philosophy है, this philosophy is promoted by श्री माधवाचार्य जी. Then Ramanujacharya जी. Ramanujacharya promoted the concept of विशिष्ट अद्वैत. ये इट इज अ सब स्कूल ऑफ वेदांत. तो यू कैन से रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, द्वैत माधवाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य. तो रामानुजाचार्य इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत एंड वो मिलिंग की गॉड अद्वैत बिलीव कि गॉड एलोन एग्जिस्ट द यूनिवर्स एंड इल्यूजन. बट विशिष्ट अद्वैत से द वर्ल्ड इज नॉट अनरियल बट पार्ट ऑफ गॉड. तो ये करके उसको उसमें थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट में चेंजेस लाया है एंड इट बिकम विशिष्ट अद्वैत. तो दिस वे आप एक क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे तो एक क्वेश्चन के अंदर देर आर मेनी क्वेश्चन हिडन. And in this way, if you prepare for this examination, not one question will give you ample answers, one ample knowledge. See how that question, so you have to understand that question from all perspectives. So this is the example of maine ek questions ka diya. So jab bhi iske jo past question paper hain, मोस्टली क्या होता है कि 70-80% जो पेपर है वो आपके पास जो सैंपल पेपर्स है वो सैंपल्स पेपर्स में से आता है. तो ये सैंपल्स पेपर्स का हम लोग आपकी तैयारी करते हैं. तो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ गिविंग दिस. नाउ आई एम कमिंग कि आज भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने एग्जाम दी है. हु इज मानसी जी इज अवेलेबल. Mansi ji, share your exam experience of today. How was your exam? How was your preparations? Today I appeared for level 3 exam. Yesterday was theory paper and it was easy one to crack because most of the questions we did it. Sir gave us lots of practice paper and most of the questions were there from under practical exam, theory exam. Most of the questions we solved in our practical
practice sessions. And today was practical, and just now, before, 15 minutes back, the session started, my practical was over. It was, you know, like all the mock tests we did previously with Sir arranged lots of mock tests. And it is like practical was like easier to, from that. I feel this way. So I guess I use pass because I'm saying so confidently. But I think that was a good experience. So thank you, sir, once again for giving us this, you know, like support. Thank you. Confidence. Back to you, sir. Okay. Thank you, Mansingi. So, okay. So what we offer, those who member, those who are interested, all the yog sadhakas, jin logon ko bhi YCT exam deni hai, to hum log unke liye ek package pura de rahe hain. We are giving you one whole package. This includes the examinations of level 1, level 2 and level 3. इसका एक ही रहेगा कि आपको YCD की final exam देनी है. तो ये exam हम लोग आपका conduct करेंगे, theory and practical. It will be through the Pran Yoga Therapy Center. And we will prepare you, we will give you 5 sample papers of theory. आपको 5 theory के sample paper देंगे. We will show you mock exam videos. जितने भी mock exam के practical के videos हुए हैं, that we will show you. We will also take your quick revision of theory and practical. And we will conduct 2 real mock exams. जैसा आपका final exam होता है software पे, है computerized software पे, उसी computerized software पे हम आपका 2 mock exam लेंगे, like a real exam. This mock exam gives you the taste of real exam. So we will conduct all the 2 your mock exam, theory and practical. Practicals will be on computer using the software. And also this mock exam feedback we will give you ki kahan pe aapka weakness hua hai. So all this includes as a part of the whole course. Iska course ka fees kuch nahi hai. There is no fee. It is all free of cost. Only what you have to do कि आपको जो भी exam देना है वो examination जो fees है YCD की जो आप pay करते हो वो examination fee आपको Pran Yoga Therapy Center को pay करना है. And Pran Yoga Therapy Center will pay your examination fee. So हम चाहते हैं कि ये exam Pran Yoga Therapy Center के through हो. तो इसका ये जो एग्जाम आप दोगे तो ये एग्जाम ये जो स्पेशल हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं देयर इज नो चार्जेस देयर इज नो फीस फॉर दिस ऑल दिस वी विल टेक फॉर यू अंडर द एग्जामिनेशन फी. ओके. यदि आप एग्जामिनेशन हमारे थ्रू नहीं दे रहे हो यू वांट टू गिव सेपरेटली तो भी आप हमारे पास आप आ सकते हो कि देन फिर ये जो मॉक एग्जाम होती है रिटन एग्जाम होती है इसका एक कुछ नॉमिनल कॉस्ट आपको देना पड़ेगा. पर यदि ये कॉस्ट आप नहीं देना चाहते हो तो आप फाइनल एग्जाम लेवल 1 लेवल 2 3 और लेवल इसका आप हमारे थ्रू दो. एंड ऑल दिस प्रिपरेशन विल हैपन इन 2-3 वीक्स ऑफ टाइम. सो 2-3 वीक्स ऑफ द टाइम वी विल प्रिपेयर यू फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 और फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 3 इन दिस. बट 3 वीक्स 2-3 weeks may we will make sure that you are ready to give the final exam. So this is what Pran Yoga Center offers you, a different facilities giving by the same exam and different way to prepare yourself using the same technique. Jo technique humne bataya, wo technique use karte hue you can offer. So I think it's a wonderful this thing. This is what So we are conducting the mock exam on 6th of February and 20th of February. So it's 6th of February or 20th of February ek mock exam rahega. Online theory and practical mock exam. If you wish to register, you can, if you have any questions, you can ask me. If you wish to register, you can contact us. The first mock exam will be on 6th of February and second will be on 20th of February.
and final exams will be the end of February. So this way we will make sure that you are well equipped, well prepared before you appear for the final exam. So this is about the whole presentation of this what is YCB offers and how we can contribute in this journey of yoga. Now the house is open for question and answer sessions. If you have any questions, you can ask me. आप लोगों में से किसी को कोई, मैंने देखा चैट बॉक्स में देर आर नो क्वेश्चंस, बट इन केस इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, प्लीज गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. एनीवन? ओके, इन द मीनवाइल यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ लोगों को. राजी हैज गिवन जस्ट नाउ एग्जाम, उसका रिजल्ट भी आ गया. राजी, शेयर योर एग्जाम एक्सपीरियंस. हेलो एवरीवन, मैं राजी फालोद, नाइजीरिया, लेगोस नाइजीरिया से. मैं मतलब लॉकडाउन सबके लिए कैसा रहा पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं घनश्याम सर और उनकी फैकल्टी से मिल पाई और मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ. योगा मतलब योगा मैं आसन को ही समझती थी और वो मैं करती थी काफी टाइम से, लेकिन घनश्याम सर से मिलके मिली नहीं, लाइक जो ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड किए ऐसा लगता है हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा मिलना हुआ नहीं सर से. लेकिन जो सर ने इतना अच्छे से समझाया थ्योरी पार्ट को वो काफी मतलब अच्छा है, और अब समझ में आया कि आसन एक अलग है और योगा एक अलग है, लाइक दोनों अलग अलग चीज है. और जो सर की फैकल्टीज है सारी बहुत अच्छे से, जो प्राणायाम का तरीका है, जो सूक्ष्म व्यायाम है, या जो स्पेशली सूर्य नमस्कार जो इतने राउंड्स करना मैंने सर से ही सीखा कि एक साथ आप इतना अपने में कॉन्फिडेंस सूर्य नमस्कार के लिए बिल्टअप कर सकते हो. तो मुझे मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा. मुझे सर का कोर्स इतना अच्छा लगा कि मैंने थेरेपी कोर्स में भी मतलब किया. मेरा एग्जाम 2 वीक पहले हुआ था, रिजल्ट अभी सर ने आपको दिखाया मेरा. तो लाइक मेरे ख्याल से आपका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा अगर आप ज्वाइन करोगे कोर्स को. और योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, आपका योगा जो करने का तरीका है वो बिल्कुल, जो आसन जो आप सोचते हो योगा है वो चेंज हो जाएगा आपका सोचने का तरीका. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सर को ज्वाइन कीजिए और अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए. थैंक यू सर, ओवर टू यू. There is one question in the chat box. Can one directly jump from level 2 to level 4? See, yeah, answer is yes, but abhi tak level 4 shuru nahi hua hai. So level 4 ke liye kya terms or condition apply hoegi abhi tak humko clarity. But aap ne koi bhi level nahi kiya hai. Jaise humare bahut se students hain, Vishnu ji hai, directly unhone level 3 ki exam di. गीता जी हैं जो भी इधर हैं, गीता जी ने भी डायरेक्ट लेवल 3 की एग्जाम दी. हरकिशन जी हैं जो भी है उन्होंने भी, तो आप डायरेक्टली कोई भी लेवल नहीं किया है तो आप डायरेक्टली लेवल 3 को अप्लाई कर सकते हैं. अभी तक लेवल 4 का, जैसे मैंने बोला कि अभी तक लेवल 4 का एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक हमको पता नहीं कि लेवल 4 में लेवल 3 को लेवल 1 और लेवल 2 वाले डायरेक्टली लेवल 4 में. बट जिस हिसाब से YCB ने सिलेबस डिजाइन किया है उस हिसाब से लगता है कि डायरेक्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए. बट आपने कोई भी लेवल नहीं किया है. हमारे साथ अभी डॉक्टर संजय जी हैं फ्रॉम वाराणसी, इन्होंने भी डॉक्टर लेवल डायरेक्टली लेवल 3 दिया है. सुमन जी है अहमदाबाद, इन्होंने भी डायरेक्टली लेवल 3 दिया है. तो आप डायरेक्टली किसी भी लेवल पे जंप कर सकते हो. उस जो भी लेवल पे आप जंप करोगे उस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन करना है. क्वेश्चन सेम रहते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है. लेवल 1 से बदल जाता है लेवल 2 में, लेवल 2 से बदल जाता है लेवल 3 में. दिस इज द डिफरेंस. खाली वो क्वेश्चन थोड़ा और कंफ्यूजिंग होते जाता है जितना आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे. तो यू कैन डायरेक्टली यू. ओके, जो इसके
मैंने बताया कि ये जो इसके जो हम मॉक एग्जाम लेंगे वो मॉक एग्जाम के जो एग्जामिनेशन फी है वही आपको पे करनी है। यदि एग्जामिनेशन फी के अलावा ये मॉक एग्जाम का कोई चार्जेज नहीं है। तो एग्जामिनेशन फी हर एक लेवल की अलग है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको बता देंगे। पर जितने नॉर्मल जो आप एग्जामिनेशन फी पे करते हो एग्जामिनेशन के लिए, वही सेम फीस रहेगी। कुछ आपका ये है कुछ 4,500 फॉर लेवल 3। इसमें आपका YCB रजिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं है। YCB रजिस्ट्रेशन आपको डायरेक्टली करना है। YCB रजिस्ट्रेशन का चार्जेज है ₹1,500 लेवल 3 का, ₹1,000 लेवल 2 का और ₹500 लेवल 1 का। जो एग्जाम फी है वो 4,500 के करीब आसपास, 4,600 है लेवल 3 का और लेवल 2 और लेवल, तो व्हाटएवर दी एग्जामिनेशन फी, वो एग्जामिनेशन फीस ही आपको देनी है। और YCB का रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपको डायरेक्टली पे करना है। सर, आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर द फीस ऑफ द टीटीसी कोर्स, टीटीसी कोर्स एंड आल्सो द कोर्स टाइमिंग। हमारा 6 फरवरी को जो सेमिनार है टीटीसी का, आप उसमें आइए, सेम मीटिंग है, तो उसमें हमको फीस और देंगे। और जो उस 6 फरवरी को रजिस्टर करेगा उसके लिए फीस अलग रहेगी, जब कोर्स चालू होएगा उसके लिए फीस अलग रहेगी। तो टीटीसी प्रोग्राम्स का फीस का अनाउंसमेंट वी विल डू ऑन 6 फरवरी ओरिएंटेशन सेमिनार। सेम मीटिंग आईडी है, देयर इज नो चेंज इन द मीटिंग आईडी। आप नेक्स्ट सैटरडे 6 फरवरी को 6:00 पे आप लॉग इन कीजिए, तो आपको वो जो और सेमिनार है दैट इज ओनली फॉर द टीटीसी। ओके, सो दैट वी विल इन्फॉर्म यू ऑन 6th of Feb। एनी अदर? सो दिस सर आई हैव आल्सो फॉर द YCB एग्जामिनेशन। सर आई हैव आल्सो पुट द कांटेक्ट डिटेल्स इन द चैट बॉक्स, पीपल कैन नोट इट डाउन। कोर्स फी एंड एग्जाम फी विल बी टू डिफरेंट। यस, एग्जाम फी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है, YCB को फॉर जो रहता है। तो एग्जाम फी एंड कोर्स फी बोथ आर डिफरेंट है, दोनों, क्योंकि दोनों फीस का स्ट्रक्चर अलग है और ट्रेनिंग फीस का अलग है। तो ये दोनों फीस अलग अलग होती है, दोनों कोर्सेज में एक फीस कंबाइन नहीं होती। ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. So the question is, how much time it takes to complete the course? For which course? TTC course take 3 to 4 months to complete. तो जो फरवरी में कोर्स चालू होएगा वो मई में खत्म होएगा। तो आप लोगों की जो फरवरी कोर्स में आओगे, आप लोगों की फाइनल एग्जाम मई एंड या जून में होगी। In the month of May end or June, you will be eligible to appear for. So the whole course takes 3 to 4 months. 3 months हम लोग बोलते हैं, but 3 months में बहुत सारा ये हो जाता है। So a ample time is 3 to 4 months. 4 months में आप ready हो जाओगे to give exam for level 1, level 2 or level 3. Okay? Any other questions? No, sir. यदि कोई questions लिखना नहीं चाहे, directly पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। ओके, वी विल एंड अप हियर। आप किसी भी समय, आप हमारे नंबर्स आपके पास होंगे, आप हमसे, डॉक्टर खुशबू से, गीता जी से, विष्णु जी से, मानसी जी से, किसी भी से आप संपर्क कर सकते हो, डॉक्टर प्रीति शर्मा, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट एनी वन एंड गेट द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। Sir, how long is its validity? Anshuman Mishra, Anshuman ji, Haridwar se. Anshuman ji, aap ho kya? Yes sir, haan, main sun raha hoon. Haan, kaise ho Anshuman ji? Badhiya sir, badhiya. Haan, boliye, aapne pucha, how long is validity? Validity yaane? Sir, vaidhyata, iski vaidhyata kab tak hai sir? मैंने 2017 में लेवल 2 पास किया था, तो उस टाइम 3 इयर्स था। अभी मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं। अंशुमन जी, अभी YCB का ऑफर आया है कि आप ₹1,000 भर के उनकी वैलिडिटी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एक फॉर्म भरना है
और वो कुछ 500 या 1000 रुपए भरने हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल का वैलिडिटी बढ़ जाएगा। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो है। तो आप लेवल 2 से लेवल 3 हो जाओगे बिना एग्जाम दिए, लेवल 3 भी हो जाएगा। हाँ, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, वो भी ऑफर चालू है। आप इनकी इसके इसमें जाओ YCB के वेबसाइट पे जी, और उसके लिए अप्लाई करो तो आप एलिजिबल हो। आपने लेवल 2 कर दिया है ना? हाँ, लेवल 2 मेरा 2018 मई में ही पूरा हो गया। हाँ, तो वो आप 20 मई में पूरा। हाँ, आपका सर्टिफिकेट एक्सटेंड हो जाएगा। ओके ओके सर। आई थिंक लेवल 3 का कुछ अलग चार्जेज है और लेवल 2 का एक्सटेंड करने का कुछ 500 या 1000 रुपया है। जी 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 है? तो आप उसके YCB के वेबसाइट पे चलो, ये करंटली ऑफर चालू है। ओके सर, ले लो। ओके ओके, हरिद्वार में ही हो? मैं अभी तो सर इलाहाबाद में हूँ, घर पे हूँ। इलाहाबाद? जी जी जी, ठंड बहुत है। चलो, अच्छा लगा आपको देख के। नहीं सर, आज आपको बहुत मिस किया, मैंने कहा आज तो जरूर दर्शन करेंगे आपके। जी सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, और आप तो सर अच्छे है ही हैं वैसे भी। ओके, so thank you everyone for your valuable time Sunday evening, and hello, after the course you are eligible at any level. Sir, someone has unmuted. Sir, Rohini ji. Yes sir, मैं रोहिणी बड़ोड़ा से। हाँ बोलिए। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम लेवल 2 के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसका प्रैक्टिस सेशन कब से चालू होगा सर, मतलब ओरिएंटेशन के बाद? रोहिणी जी, 15 फरवरी से चालू होएगा। ओके, खाली एग्जाम के लिए या टीटीसी के लिए? एग्जाम के लिए सर, अगर लेवल 2 के एग्जाम हम देते हैं तो उसके बारे में आपने बोला ना कि हम ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाएंगे और एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे, तो उसका टाइम और डेट कौन सी होगी आप जो भी मीटिंग रखेंगे उसकी? उसका एग्जाम, पहला एग्जाम होगा 6 फरवरी को। 6 को? 6 को है। ओके सर, बराबर। और उसके बाद हम आपको फाइनल, उसका फाइनल एग्जाम होगा आपका एंड ऑफ फरवरी को। एंड ऑफ फरवरी को? तो आपको फरवरी मंथ में 2 से 3 हफ्ते हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। यस सर। ओके सर, 2 to 3 weeks हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। और टाइमिंग क्या होगा सर एक्चुअली आपका, मतलब टाइमिंग? हम लोग जो सब लोगों को जो टाइमिंग सुटेबल होता है, नॉर्मली शाम का टाइम हम लोग रखते हैं। यस सर। तो वो टाइम उस ढंग से देखेंगे जो सब लोगों को सुटेबल हो। ओके सर। अंशुमन जी, आपको लेवल 3 नहीं देना है क्या? देना है सर, अगर आप क्लास ऑनलाइन चला रहे हैं तो हमें भी बताइए सर, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, क्या फीस है बताइए। तो लेवल 3 दे दो ना एग्जाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप लेवल 2 का सर्टिफिकेट तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा जी, लेवल 3 आप देके खत्म कर सकते हो। और अभी तो सब पूरी एग्जाम भी ऑनलाइन हो रही है, आप इलाहाबाद में बैठ के एग्जाम दे सकते हो। ओके ओके, मानसी जी ने एग्जाम श्रीनगर से दी है, सोमन जी ने एग्जाम अहमदाबाद से दी है। ओके ओके जी सर, जी सर बराबर है। ये राजी ने एग्जाम नाइजीरिया से दी है। हाँ, अभी मैं सुन रहा था उनको जी, लॉकडाउन के कारण फायदा हुआ, राजी का डॉलर बच गए। बिल्कुल, डॉलर में चार्ज होती है। जी नहीं, तो अभी आप क्लास चला रहे हैं ना ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन रेगुलर क्लास चल रही है। ओके सर, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी ऑनलाइन ही चल रहा है। ओके ओके ओके, नहीं तो आपका ये YCB का मतलब लेवल 3 का इसकी अलग क्लास चल रही है? हाँ, इसका भी अलग ऑफर कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके, YCB का तो हम भी, हम लोग YCB एग्जाम कंडक्ट करने का भी हमको पर ये मिल गया है, हैं? तो वी आर एलिजिबल टू कंडक्ट YCB एग्जाम, सो दिस इज अनदर ऑफ, इट्स अ न्यू एक्टिविटी ऑफ प्राणयोगा थेरेपी। ओके, ना कि ये विश कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करें। जी जी। Yes, Santanu, there are 2 more questions, sir. Santanu from Odisha, you can be completed, you can appear for level 3 in the near future.
तो आप हमारे यू गेट इन टच विथ यू, आपको ऊपर नंबर भेजे हैं, तो डायरेक्टली आप लेवल टू से लेवल थ्री के लिए आप अपीयर हो सकते हो. यू गेट इन टच विथ अस. सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन. After the course, we are eligible for any level of exam? Yes, you are depending on your preparation. आपके जैसा preparation रहेगा और mock exam में जैसा आपका result आएगा, वो result के हिसाब से हम आपको recommend करेंगे कि you are eligible for level 1, you are eligible for level 2 or you are eligible for level 3. तो पहले से हम proper promise नहीं करेंगे. As per your preparation, we will prepare you for that level. And then जो mock exam होएगा, trial exam होएगा, वो exam से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कौन से level के लिए आप suitable हो. So this is what. हाँ, course अभी खत्म हुआ है. Is the course going on already? Recently हमारा TTC course खत्म हुआ है. And तो अभी नया कोर्स चालू होएगा. नेहा अग्रवाल, I request you to contact us. तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि आपने कुछ लेवल वन या लेवल टू का एग्जाम दिया है क्या. आपका बेसिक प्रिपरेशन कितना हुआ है लेवल वन. तो नेहा, I request you to get in touch with you. We will happy to guide you. Okay. विष्णु जी और गीता जी, आपको नंबर दिया है. विष्णु जी का भी नंबर दे दो. गीता जी, खुशबू, विष्णु जी का भी नंबर दे दो. तो गीता जी, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर प्रीति शर्मा, आप किसी से भी कॉन्टेक्ट करो. मोनिका, वी विल गाइड यू फॉर द, यू कैन गिव लेवल टू मॉक एग्जाम ऑन 6th of February. अंशुमन जी, आप भी मॉक एग्जाम दे दो ना. हाँ, लेवल थ्री का. हाँ, लेवल थ्री का कब होगा सर? दो बताया, 6 तारीख को, 7 दिन के बाद. 6 को नहीं हुआ तो 12 को हो जाएगा. ओके, पहले 10 दिन में होएगा. तो सर लिंक हमें भेजिए और फीस क्या है बताइए तो मैं बता दूंगा. आप हमसे ओके. हाँ हाँ, बिल्कुल. लेवल थ्री का है तो 4,600 रुपए. ओके ओके, चलेगा. 4,600 रुपए एग्जाम फी है लेवल थ्री का. ओके, कोई नहीं सर, दे दूंगा. लेवल टू का है कुछ 3,800 रुपए. नहीं, लेवल टू तो सर हो गया, लेवल थ्री हो तो ज्यादा. लेवल थ्री का जी जी. और लेवल वन का है अराउंड कुछ 3,000 रुपए. ओके, ये एग्जाम फी है. इसमें YCB रजिस्ट्रेशन चार्जेज इंक्लूडेड नहीं है. ओके, YCB रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपको डायरेक्टली YCB वेबसाइट पे पे करना है. ओके, तो अभी पहले आपने जब एग्जाम दी थी अंशुमन, उस समय दोनों फीस एक ही थी. हाँ, उस टाइम फीस कम थी सर. उस टाइम मैंने 2017 में लिया था. हाँ, इसमें तो ज्यादा कम नहीं थी. उस समय भी आपने 4-5 हजार दिया रहेगा. 3-3.5 शायद दिया था. 3 जी. तो अभी क्या हो गया है कि वो ये फीस का दो पार्ट हो गया है. एक पार्ट हो गया है YCB रजिस्ट्रेशन चार्जेस जी, और वो एक हो गए एग्जाम फी. YCB रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपको डायरेक्टली ये करना. ओके ओके सर. हाँ, ये जो फीस आपने लिखा है गीता जी, TQ का 3245, ये इससे अपनी फीस कम है. ये 5605 जो लिखा है ना, तो 5605 की जगह लेवल थ्री का होगा अपना 4,600 रुपए, 1,000 रुपए कम है. तो ये जो TQ का फीस थोड़ा ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इतना फीस पकड़ लो. ये पर इसमें थोड़ा सा चेंजेज होएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा वो चेंजेस के लिए.
Okay, thank you. We will end up with the final prayer. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. आप लोग भी आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो वी विल इन टच विद यू इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन आल्सो पुट योर नेम एंड नंबर इन द चैट बॉक्स सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर ओके सर बाय